नमस्कार, जीएस चिली रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पाव भाजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को हम कुकर में बनाकर तैयार करेंगे, जो बिना किसी झंझट के बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस पाव भाजी को बनाना शुरू करते हैं। तो भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप कटा हुआ फूल गोभी। गोभी को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। 2 मीडियम साइज के आलुओं को भी मैंने छील कर टुकड़ों में काट लिया है। 1 गाजर को टुकड़ों में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च को काट लिया है। 1 कप ताजी हरी मटर ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को भी इस तरह से बारीक काट लिया है। 1/2 कप कटा हरा धनिया लिया है। 1 इंच टुकड़ा अदरक को बारीक काटा है। 8 से 10 कली लहसुन को काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च को काट लिया है। मिर्च की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार लें। 3 टमाटर को भी मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ देगी मिर्च ली है जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। यहाँ हम बटर स्वाद के अनुसार लेंगे। मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच बटर के लिए हैं। यहाँ 1 बड़ा चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला लिया है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। तो चलिए अब भाजी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच बटर डाल लिया है और अब हम बटर के मेल्ट होने तक इसे गर्म कर लेंगे। तेल के साथ बटर डालने से बटर जलता नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को डाल लिया है और अब हम इसे इसी तरह से चलाते हुए प्याज के हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो हमारा प्याज अब हल्का गुलाबी हो चुका है या इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर से इसे ऐसे ही चलाते हुए टमाटर के सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर में नमक डालकर भूनने से टमाटर बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा टमाटर भी अब सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर, देगी मिर्च और धनिया पाउडर डालकर मिला लेंगे। देगी मिर्च डालने से पाव भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हमें फूड कलर मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं इस मसाले का कलर कितना अच्छा आ चुका है। इसके बाद हम इसमें कटी हुई सब्जियों को डाल देंगे। भाजी बनाने के लिए आप अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से इन मसालों के साथ मिला लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए हम इसे लगभग 5 मिनट तक भून लेंगे। इस तरह से अगर हम पहले ही सब्जियों को भून लेंगे तो हमारी भाजी का स्वाद बढ़ जाता है। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी डालकर मिला लेंगे। तो पानी को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम हाई करके हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। 2 सीटी के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और प्रेशर पूरी तरह से निकल जाने देंगे। प्रेशर निकलने के बाद हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। इस समय हमारी सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो अब एक पोटैटो मैशर की हेल्प से हम इन सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। इसके बाद फिर से हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे और साथ ही थोड़ा हरा धनिया और बटर डालेंगे। बटर आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बटर डाला है और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालकर मिला लेंगे और अब फिर से इसे चलाते हुए हम 5 मिनट तक भून लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढककर 2 मिनट तक पकने देंगे। कम से कम इसे 2 मिनट इस तरह ढककर जरूर पकाएं। 2 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चला लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद हम गैस ऑफ कर लेंगे।
गैस ऑफ करने के बाद हम फिर से थोड़ा बटर और हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। इस बार बटर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तभी मिलाएं। तो अब हमारी पाव भाजी की भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करें। इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए इस पर थोड़ा बटर और नींबू का रस डालकर सर्व करें। तो चलिए अब हम पाव तैयार करते हैं। तो पाव के साथ मैंने यहाँ पर कुछ हरा धनिया लिया है, थोड़ा बटर, और अगर आपको ज्यादा मसाला पसंद है तो थोड़ा पाव भाजी मसाला भी ले लीजिए। तो हम पहले पाव को इस तरह से काट लेंगे बीच से। तो इसी तरह से हम बाकी के भी सारे पाव को काट लेंगे। इसके बाद हम तवे पर बटर डालकर गरम कर लेंगे। फिर इस पर हम थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये हरा धनिया पाव के स्वाद को भी बहुत बढ़ा देता है। इसके बाद इस तरह से पाव को हम दबाते हुए दोनों तरफ से बटर लगाकर सेक लेंगे। तो अब हमारा पाव सेककर तैयार है। फिर से हम तवे पर बटर और हरा धनिया डालेंगे और फिर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे और उसे इस तरह से तवे पर फैला लेंगे। अब हम फिर से पाव को दोनों तरफ से इस तरह दबाते हुए सेक लेंगे। तो ये हमारा मसाला पाव भी बनकर तैयार है। अब इस पाव को गर्मा गर्म भाजी के साथ सर्व करिए। तो ये हमारी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप भी बिना किसी झंझट के प्रेशर कुकर में ही पाव भाजी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।